हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लोइंग त्वचा का राज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है जैपनीज का स्किन कितना टाइटनिंग रहता है, कितना ग्लोइंग और ब्राइटनिंग रहता है, तो इसलिए वो लोग उनका स्किन केयर में ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू नुस्खे ही इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका स्किन जो है उतना शाइनिंग, चमकदार और ब्राइटनिंग दिखता है। और आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि उनका स्किन बहुत हेल्दी भी रहता है। इसलिए हेल्दी रहता है कि वो लोग घरेलू नुस्खे वो अपना स्किन के ऊपर इस्तेमाल करता है, इसलिए स्किन हेल्दी और ब्राइटनिंग दिखता है। तो आज मैं आपको उन जापानी स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग ट्रीटमेंट का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कम्प्लीटली वीडियो को एंड तक देखिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट किया है पिंपल, एक्नी और डार्क स्पॉट्स के बारे में और कोरियन स्किन के बारे में। इन सभी के लिए ये बेस्ट उपाय है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए, इससे अपना स्किन स्पॉटलेस बनने के साथ ही साथ जापानी स्किन जैसा अपना स्किन को बना सकते हो, लाइटनिंग और टाइटनिंग बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के पहले आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो वीडियो को एंड में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना देती हूँ। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलोअप कीजिए और मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ वीडियो को कम्प्लीटली देख के एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इसमें पहला स्टेप है DIY क्ले मास्क। DIY क्ले मास्क के लिए क्लीन बाउल में आप 2 चम्मच क्ले मास्क ऐड करना है। 2 चम्मच क्ले मास्क ऐड करके उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। रोज़ वाटर ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स कर लेना चाहिए। फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करके इसको साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। पहले चेहरे को नॉर्मल वाटर से नीटली वॉश करके पहुंचने के बाद इस पैक को ऑल ओवर फेस के ऊपर, गले के ऊपर अप्लाई करना है। आपका अंडर एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें है क्ले मास्क। ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है। ये क्ले मास्क आप यूज़ करने से इसे स्किन का पर पोर्स को भी क्लॉक डाउन करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपका स्किन के ऊपर रैशेस है, फाइन लाइंस है, एजिंग की वजह से स्किन डल हो रहा है, इस क्ले मास्क को आप अप्लाई करने से स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा और पिंपल एक्ने भी दूर होंगे, स्किन भी टाइटनिंग ब्राइट भी होगा। इंस्टेंटली स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग करना है और एजिंग को रिड्यूस करना है, स्किन का एजिंग को रिड्यूस करना है, तो इस क्ले मास्क को अप्लाई करना है। इसको आप हर रोज़ भी अप्लाई कर सकते हो, कम से कम हर रोज़ करने का टाइम नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 बार तो इसको यूज़ करना चाहिए। ये अप्लाई करने के बाद ड्राई होने तक छोड़ के इसके बाद चेहरे को वार्म वाटर से वॉश आउट करना है। ऐसे करने से स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होगा। और सेकंड है अपने स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग बनाने का DIY ग्रीन मास्क। DIY ग्रीन मास्क के लिए क्लीन बाउल में हमें लेना चाहिए बेसली पाउडर, इसको कहते हैं तुलसी पाउडर भी। आप एक क्लीन बाउल में 2 चम्मच तुलसी का पाउडर ऐड करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में एंटी ऑक्सीडेंट्स हाई अमाउंट में रहता है, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन टोन भी बढ़ता है। इसमें आप 2 बड़े चम्मच तुलसी का पाउडर ऐड कीजिए। इसके बाद इसमें हमें पानी ऐड करके मिक्स करना है। इसमें हमें वार्म वाटर ऐड करके मिक्स करना चाहिए। अभी इस ग्रीन मास्क को अच्छे से मिक्स करना चाहिए। अभी इससे अच्छे से मिक्स हो गया, इसको चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। इस मास्क को आप क्लीन फेस के ऊपर अप्लाई करना है, अपना आंखों के नीचे अंडर एरिया छोड़ के पूरा फेस और गले के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें है तुलसी लीव्स, क्योंकि तुलसी लीव्स में हाई अमाउंट में एंटी ऑक्सीडेंट्स रहता है, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन भी टाइटनिंग ब्राइटनिंग होगा। अगर आपके स्किन के ऊपर एक्नी है और एक्नी को भी ये कंट्रोल करता है तुलसी, और स्किन को भी क्लिस्टर क्लियर करता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मेकअप अप्लाई करने से, मेकअप की वजह से और चेहरा ज़्यादा ऑयली होने की वजह से
एक्ने पिंपल हो जाती है तो उसको भी रिमूव करता है और चेहरे के ऊपर अनइवन स्किन को भी दूर करता है। तो आप एक ग्रीन मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए, ए DIY ग्रीन मास्क को। इससे स्किन सूथिंग और नॉरिशिंग होगा और इसका टेक्सचर, इससे अप्लाई करने से स्किन टेक्सचर भी बहुत सॉफ्टर बन जाता है। अभी नेक्स्ट है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर है, चावल का पानी का नुस्खा। अभी हम इसके लिए एक क्लीन बाउल में आधा कप चावल लेना है। आधा कप चावल में फ्रेशली वाटर ऐड करके चावल को पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। धोने के बाद इस चावल को एक आधा घंटे के लिए भिगा के रख लेना है। इसके बाद इस चावल का पानी को हमें यूज़ करना चाहिए चेहरे के ऊपर, एज ए टोनर की जैसा इस्तेमाल करना है। आधा घंटे के बाद चावल अच्छे से भीगने के बाद ये चावल का पानी को एक स्प्रे बॉटल में डाल के यूज़ करना है, क्योंकि ये चावल का पानी जैपनीज का मेन स्किन के सीक्रेट है। ये अपना स्किन को टाइटनिंग करता है और नेचुरली स्किन को टोनिंग करता है। DIY मास्क अप्लाई करने के बाद चावल का पानी को आप हर रोज़ चेहरे के ऊपर मॉर्निंग और आफ्टरनून चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोरियन जैपनीज पीपल अपना स्किन को मेंटेन करने के लिए चावल का पानी को इस्तेमाल करता है, क्योंकि चावल का पानी में रिच अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है। ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, चेहरे को कांच जैसा चमकदार और शाइनी बना देते हैं। अपना स्किन को शाइनी और ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनाना है तो चावल का पानी को एज ए टोनर की जैसा कंपलसरी इस्तेमाल करना है चेहरे के ऊपर। चावल का पानी को अच्छे से स्प्रे कीजिए, स्प्रे करके आप 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए। इसके बाद कॉटन पॉड से वाइप आउट कर सकते हो। ऐसे करने से स्किन साफ होगा और स्किन नेचुरली टाइटनिंग और ब्राइटनिंग हो जाएगा। सो ये है, एंडिंग स्टार्ट हुआ ना। सो ये है फ्रेंड्स ग्लोइंग स्किन का राज। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, इससे स्किन जो है बहुत ग्लोइंग ब्राइटनिंग दिखता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा ना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाते हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।